गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी. ये नाइन्थ क्लास इंग्लिश का एक्टिविटीज़ इंग्लिश वर्कशॉप और चिट चैट है. अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और हम इसी टाइप के अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे. लेट्स बिगिन. वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी क्या मतलब है? ज़रा डैडी, ज़रा धीरे से चलो. अब यहाँ पर सिर्फ वॉक अ लिटिल स्लोअर ये वर्ड इस्तेमाल किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं चिट चैट से. आर यू अ टॉकेटिव पर्सन? क्या तुम बहुत ही ज़्यादा बात करने वाले बच्चे हो? आर यू अ टॉकेटिव पर्सन? नो, आई एम नॉट अ टॉकेटिव पर्सन. आई एम अ वेरी शाय पर्सन. आई एम अ वेरी काइंड पर्सन. आई एम वेरी साइलेंट पर्सन. इस तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हैं. डू यू लाइक टू शेयर योर थाट्स? क्या अपने थाट्स, आपके ख्याल शेयर करना चाहते हो? यस समटाइम्स, बट मोर टाइम्स आई वुड लाइक टू कीप माई सेल्फ साइलेंट. वट यू लाइक टू डू आफ्टर टेंथ? टेंथ के बाद आप क्या करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर. आई वॉन्ट टू बिकम एन डॉक्टर. इस तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हैं. इंग्लिश वर्कशॉप इसके एक्टिविटी इसके आंसर दिए हैं. द डैश इज़ टॉकिंग टू इट्स, यानी कौन किससे बात कर रहा है? द चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू इट्स फादर. बी क्या है? द डैश इज़ लीडिंग एंड द डैश इज़ फॉलोइंग. कौन लीड कर रहा है? फादर इज़ लीडिंग. और फॉलो कौन कर रहा है? चाइल्ड इज़ फॉलोइंग. समडे द डैश विल बिकम अ डैश. किसी दिन चाइल्ड क्या बनेगा? फादर बन जाएगा. द डैश डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स डैश. कौन नहीं चाहता गिरना? चाइल्ड नहीं चाहता. द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स फादर. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, ट्रू फॉल्स की एक्टिविटी है. से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फादर इज लीडिंग द चाइल्ड. ट्रू यानी फादर क्या कर रहे हैं? चाइल्ड को लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. चाइल्ड इज़ एबल टू फॉलो हिज फादर. चाइल्ड अपने फादर को लीड फॉलो करने में एबल टू फॉलो हिज फादर. वो काबिल है अपने फादर को फॉलो करने में. फॉल्स इसीलिए तो कह रहा है वॉक अ लिटिल स्लोअर. इन दिस पोएम फादर इज स्पीकिंग टू चाइल्ड. इस पोएम में फादर चाइल्ड से बात कर रहे हैं. गलत, फॉल्स है ये. इसमें चाइल्ड फादर से बात कर रहा है. फादर वॉक्स फास्ट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. वॉट क्वालिटीज ऑफ योर पेरेंट्स एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट? अपने फादर या अपने बड़ों की आप कौन सी आदत को सीखना चाहते हैं? डिसिप्लिन, एक्टिवनेस, हार्ड वर्क, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी आर द क्वालिटीज आई वुड लाइक टू अडॉप्ट फ्रॉम माई एल्डर्स. नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये मीनिंग से मैच करना है लाइन को. यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी. आप वही हो जो मैं बनना चाहता हूँ. उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? यू आर माई रोल मॉडल. आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट, यानी मैं वैसे ही सीधी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ. आई विश टू गाइड माई चाइल्ड. नो डैट आई वॉज ट्रू डैट आई फॉलोड यू ट्रूली. आई एम ऑल ग्रोन अप. आई विल बिकम अ मैन. चलिए इसके अपोजिट वर्ड्स ढूंढेंगे. फॉलो स्लो डाउन मच रॉन्ग. फॉलो लीड, स्लो फास्ट, डाउन अप, मच लिटिल, रॉन्ग राइट. फॉलो यानी फॉलो करना, लीड यानी लीड करना, स्लो यानी आहिस्ता, फास्ट यानी तेज, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, मच यानी ज़्यादा, लिटिल यानी थोड़ा कम, रॉन्ग यानी गलत, राइट यानी सही. चलिए यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ थी हमने इससे पहले कर लिए हैं, या आप चाहिए तो इसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट वाला है, ये रिलेटेड वर्ड्स है, यानी कौन किससे रिलेट करता है. जैसे कि फादर सन रिलेट करते हैं, मदर डॉटर रिलेट करती है, फॉलो लीड है, तो वैसे टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, गिव एंड टेक, गॉड वर्शिप, इजी हार्ड, लिव डाई लॉक की. चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर देखेंगे. व्हाट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट? व्हाई? बच्चा अगर तेज चलेगा तो क्या होगा? क्यों? चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल, ही इज़ नॉट एबल टू वॉक स्मूथली, ही विल फॉल इफ यू ट्राई टू वॉक फास्ट. यानी बच्चा छोटा है, अगर वो तेज़ी से चलने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा. डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू द एक्ट और वॉकिंग? व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से? यानी वर्ड वॉक का मतलब क्या है? वॉकिंग से शायर की यानी इस पोएट की क्या मुराद है?
It does not refer only walking to the act of walking. It refers that child expects its father to show right path, advice about life, because father is role model of the child. इसमें वॉकिंग का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, यानी बच्चा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके फादर उसे अच्छा रास्ता बताए, सही रास्ता बताए, एडवाइस दे, वो उसके फादर को रोल मॉडल मानता है. थिंक ऑफ एन ओकेशन व्हेन यू डिड नॉट लाइक द डिसीजंस एक्शंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स बट रियलाइज लेटर ऑन दैट दे वेर राइट अबाउट इन 5 to 8 लाइन्स. यानी ऐसा मौका याद कीजिए जब आपके सरपरस्त आपके वालदेन की हिदायत आपको नागवार गुजरे लेकिन बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ. आफ्टर माई एनुअल एग्जामिनेशन माई पेरेंट्स इंसिस्ट मी टू ज्वाइन कंप्यूटर क्लासेस बट आई वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन एनी क्लासेस इन हॉलीडेज एंड आई वॉन्टेड टू एन्जॉय हॉलीडेज. जब गर्मी की छुट्टियाँ लगी थी तो मेरे वालदेन ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करूँ लेकिन मैं हॉलीडे मनाना चाहता था और इसीलिए मैं उसे मना कर रहा था. बट वेन माई स्कूल स्टार्टेड माई फ्रेंड्स टोल्ड मी डैट दे हैव लर्न डिफरेंट थिंग्स इन हॉलीडेज एंड दे एन्जॉयड इट. लेकिन जब छुट्टियाँ ख़त्म हुई और मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि उन्होंने छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके मज़ा भी उठाया, आई वॉज़ वेरी अपसेट आफ्टर हियरिंग दिस बिकॉज आई रियलाइज माई मिस्टेक. और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है. चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक